नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का, क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त हुआ है फिर से आपसे जुड़े एक अहम मुद्दे पर बात करने का। तो वक्त है आपका हक मारने वाली सरकार को जगाने का, सरकार से सवाल करने का। अगर आपसे कोई मकान का वादा करे, आपको कागज पर लिखित में इसका आश्वासन भी दे और वो भी खुद सरकार, लेकिन फिर भी आप अपने आशियाने का सपना ही देखते रह जाएं, क्योंकि आपके हिस्से तो आए हैं सिर्फ ईंट सीमेंट और कच्चे अधूरे बने मकान, तो आप किसके पास जाएंगे? जी हां, छत्तीसगढ़ के रहने वाले ऐसे लाखों गरीब मजबूर लोग हैं जिन्हें इस मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है। बारिश के इस मौसम में मार दोहरी है, क्योंकि पीएम आवास योजना में स्वीकृत हुए ढेरों मकान ऐसे हैं जो जमीन पर या तो खड़े ही नहीं हैं और हैं तो टपकती छतों के साथ, और इनके अंदर रहने को मजबूर हो गए हैं वहां के लोग। दूसरी तरफ भूपेश बघेल की सरकार और केंद्र में अपने अपने दावों के साथ टकराव है, जबकि पिस रहा है एक मजबूर इंसान। तो आज आपको घंटी बजानी है छत्तीसगढ़ सरकार की, जिसने पीएम आवास योजना का मजाक बना दिया। तो देखिए रिपोर्ट और 8422840000 पर मिस्ड कॉल दीजिए। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने 2022 तक इस देश में कोई गरीब बिना घर के न रहे। ये पूरा निर्माण क्यों नहीं हो रहा? पैसा नहीं, पैसा होगा तब तो बनाएंगे जी, गरीब आदमी। ये कब से बन रहा है, कितने दिन हो गए? एक साल हो गया, जुलाई से बन रहा है। नगर पालिका परिषद ने जब ये स्वीकृत किया है मकान, तो इसमें तारीख डली है 23/3/2022, यानी मार्च का ये लेटर है। कितना पैसा मिल गया? एक रुपया भी नहीं मिला। जून 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लाखों परिवारों को सभी बुनियादी सुविधाओं सहित घर प्रदान कर उनके चेहरों पर मुस्कान लाने में सफल रही है। ऐसे कितने मकान हैं जो अधूरे हैं और आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्यों छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार और केंद्र की सरकार आमने सामने है, इसी बात की पड़ताल के लिए छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में आज हम निकले हैं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ राज्य की, और इस दर्दनाक कहानी में हीरो की मुख्य भूमिका में तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिन्होंने 7 साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी PMAYU लॉन्च करके गरीबों को घर देने का वादा किया था। लेकिन इस कहानी में छत्तीसगढ़ सरकार उस वादे को जमीन पर सिर्फ दीवारों, टपकती छतों और बिना सीमेंट के अधूरे मकानों में तब्दील करके विलन साबित हो रही है। केंद्र और राज्य सरकार के अपने अपने दावे भी हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है और हकीकत असल में है क्या? क्या बीच में वाकई पिस रही है गरीब जनता? तो उसका कौन गुनहगार है, ये जानने का बीड़ा उठाया आपके चैनल ABP न्यूज ने। ऐसे कितने मकान हैं जो अधूरे हैं और आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्यों छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार और केंद्र की सरकार आमने सामने है, इसी बात की पड़ताल के लिए छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में आज हम निकले हैं। आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक ऐसे कौन से निर्णय ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी के लिए लिखने के लिए मजबूर कर दिया और कहना पड़ा केंद्र सरकार को कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं कर सकते हैं तो केंद्र की और ऐसी तमाम ग्रामीण योजनाओं को लागू करने के लिए हमें पुनर्विचार करना होगा। क्या है ये पूरी कहानी, इसकी पड़ताल भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति क्या है,
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि जारी नहीं करने की वजह से पहले इसकी पड़ताल कर लेते हैं। और एबीपी न्यूज रिपोर्टर ज्ञानेंद्र ने अपनी पड़ताल शुरू की छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आरंग से। आरंग के वार्ड नंबर 15 में एक गरीब मजबूर इन्हें मिल गया और आशियाने की आस के टूटने की पहली कहानी का सिलसिला शुरू हुआ। बुढ़िया के नाम से अभी आए है, दे है कागज, घर फोड़ के वो इसको करो ऐसे खोद के। अब मैं उसको आधा दूर ले गया पूरा अपने खर्चा से। बनाना चालू कर रहे हैं? अब कर दे रहे हैं। तोड़ है, घर कहाँ है? घर ये दे सामने में उस। चलिए दिखाइए जरा, आइए कहाँ। साधुराम ले जा रहे थे अपनी दिव्यांग बेटी बबीता मेहर के लिए स्वीकृत पीएम आवास दिखाने। बबीता बेहर कौन है? वही है। तो इसके पति का नाम तो है? नहीं, नहीं, पति उत्ती नहीं। अच्छा, ये पिता साधुराम कौन है? मैं हूँ। अच्छा, साधुराम मेहर आपको। नगर पालिका परिषद ने जब ये स्वीकृत किया है मकान, तो इसमें तारीख डली है 23/3/2022, यानी मार्च का ये लेटर है। और मार्च से अगर आप हिसाब लगाएंगे और 3 तारीख है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने हो गया, अगस्त शुरू हो गया है। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? इसमें पैसा नहीं मिल रहा अभी, नीद में अभी नहीं दिया है, देंगे बोल रहा, नहीं दिया है अभी। तो कितना पैसा मिल गया है? 1 रुपया भी नहीं मिला है। पैसा मिले ही नहीं है आपको? 1 रुपया नहीं मिला है। यानी कागज पर योजना स्वीकृत है लेकिन मकान बन नहीं पाया क्योंकि पैसा नहीं मिला। घर बनाने के लिए सरिया, सीमेंट, ईंट सब ये कर्ज लेकर आए हैं। सब उधारी उधारी लाए हैं, सामान को सब उधारी उधारी लाए हैं दुकान से। अच्छा, हो अभी 1 किस्त भी नहीं मिला है पैसा? अभी नहीं मिला है? अभी पैसा नहीं मिला है 1 किस्त। ये स्थिति है कि लोग घर तोड़ देते हैं और जब घर तोड़ दे और सरकार ये भरोसा दे दे कि हम आपको पैसा देंगे और पैसा उसके बाद भी ना मिले, तो फिर सोचिए जिनके पास जो सामान है उसी से ये घर बना रहे हैं। दुर्गेश, इधर आइए और दिखाइए कि अधूरा मकान इसलिए है क्योंकि इन्हें पैसा नहीं मिला है और पैसा नहीं मिलने की वजह से ही केंद्र सरकार को ये लिखना पड़ रहा है कि क्या राज्य सरकार यानी छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना को सुचारू ढंग से नहीं चला पा रही है। और ये योजना प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में लॉन्च की थी जिसका फायदा देश भर के कई राज्यों के शहरों गाँव में रहने वाले कई गरीब बाशिंदों को मिला थी। एक गर्व का विषय है कि मिशन ने 1 करोड़ से ज्यादा आवासों का निर्माण कार्य शुरू करवाकर एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। साथ ही 60 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूरा कर उन्हें लाभार्थियों को सौंपा जा चुका है। ये वाकई गर्व का विषय है लेकिन छत्तीसगढ़ के कई गरीब इस योजना से अब भी महरूम हैं। इनके पास पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत मकान के कागज हैं, लेकिन जमीन पर सिर्फ दीवारें हैं, कहीं सिर्फ खिड़कियां, कहीं टपकती छतें ही इन्हें मिली। ये टकराव की स्थिति को बताने और दिखाने के लिए हम ग्राउंड पर आए हैं कि इन सब के बीच जो गरीब है, जो आम आदमी है, वो कितना पिस रहा है और उसकी क्या स्थिति है, यही बताने के लिए हम आपको पहुंचे हैं कि किसी की खिड़की, किसी के दरवाजे, तो कहीं मकान अधूरे हैं और वजह यही है कि आज अधूरे मकान से ही लोग इस उम्मीद से देख रहे हैं कि कब पैसा आएगा और कब इनका आसियाना बनकर तैयार होगा। केंद्र सवाल कर रहा है और राज्य सरकार शिकायत। आपको उनके पक्ष भी सुनाएंगे। पहले पीएम योजना को मजाक बनाता एक और मकान का दौरा कर लीजिए। एबीपी न्यूज रिपोर्टर ज्ञानेंद्र जब साधु राम जी के मकान से निकले तो पास ही दिखा एक और ईंटों से बना अधूरा मकान। बदहाली ने ही यहाँ भी बयां कर दिया हाल। ये पूरा जो दिख रहा है अधूरा मकान, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहा है? यस। हाँ। ये कब से बन रहा है, कितने दिन हो गए? 1 साल हो गया, जुलाई से बन रहा है। हाँ। अगले साल के जुलाई। तो बन क्यों नहीं पा रहा है पूरा? पैसे के कारण। हाँ? पैसों के कारण। तो पैसा नहीं मिला है क्या अभी तक? 2 किस्त बस मिला है। अच्छा। और ऊपर बनाने के लिए बोल रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, गरीब इंसान, पैसा होगा तब तो बनाएंगे, और तीसरा किस्त मिल नहीं रहा है। घर इन्होंने बनाया है और ये घर पूरा इसलिए नहीं है। और देखिए, जब बहुत बारिश हो तो ये सीपेज भी आएगा इसमें और इसके साथ खुले तार भी हैं, क्योंकि ना प्लास्टर है ना कुछ है। ऐसे में इस अधूरे मकान में ही इन्हें रहना पड़ रहा है क्योंकि इनके जो 2 किस्त हैं
वो अभी नहीं मिले हैं। ऐसी स्थिति गांव-गांव में है, छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश में है कि कहाँ लोग किस्त नहीं मिलने की वजह से परेशान हैं और इस वजह से उनका मकान जो है वो अधूरा पड़ा हुआ। राज्य में पीएम आवास योजना में स्वीकृत मकानों की संख्या पर नजर डालें तो पता चलता है कि लाखों मकान बनने थे जो अब तक या तो बनने शुरू भी नहीं हुए या शुरू होकर अधूरे छूटे हुए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 2019-20 में 151,072 मकान स्वीकृत हुए थे। इनमें से 72,103 मकान बनाए गए और 78,969 मकान अधूरे रह गए। वहीं 2021 में 157,815 मकान स्वीकृत हुए, इनमें से बनाए जा चुके हैं सिर्फ 3 और जाहिर है 157,812 मकान अभी भी अधूरे हैं। 2021-22 में स्वीकृत मकानों का आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं, लेकिन हमारी पड़ताल में लगातार 6 महीने और साल भर पुराने स्वीकृत मकानों का दिख रहा हाल ये बताता है कि तस्वीर इस साल भी ठीक नहीं है। अब उमा अजगर को ही ले लीजिए, 1.5 साल बीत गया, अब अधूरे मकान को घर बनाने में अपना पैसा लगाना पड़ रहा है। कितने किस्त मिले हैं आप? 2। कितना पैसा कुल मिला? सत्तर मिनट से राम। और कितना लगा दिया है अपने घर में? इनमें तो बहुत पैसा लग गया। तो क्या कह रहे हैं? क्या कर, पैसा मांगने के लिए जाते हो ना तो बोलते हैं कि ऊपर फिर से बनाओ तो मिलेगा कत। लता लोधी की भी परेशानी सुनिए। पीएम आवास योजना के नाम पर मिट्टी के घर को तोड़ दिया गया, लेकिन अब बारिश में टूटे घर से पानी गिरता है। घर में परिवार के 4 सदस्य हैं तो जाहिर है रहना खाना मुश्किल है। वो कर उधार बाढ़ी कर करके लान के लगा था ना, अभी इमें सूते परेशानी है, दरवाजा नहीं है तो दरवाजा परेशानी है, अभी फूटे तो पानी चुचवाते। घरों के वादे के बदले अधूरी 4 दीवारें क्यों मिली? अब सुनिए अपने बचाव में सरकार का क्या कहना है, क्योंकि पीएम आवास योजना पर पानी फेरने वाली राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने फटकार भी लगा दी है। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर यह कह दिया है कि अगर आप इतने उदासीन हैं इस योजना को लेकर तो बाकी जो दूसरी केंद्र की योजनाएं हैं ग्रामीण विकास की उसके साथ हम इस तरह का बर्ताव क्यों ना करें। सर, केंद्र को इस तरह से पत्र क्यों लिखना पड़ रहा है? टकराव की स्थिति दिख रही है। मुझे लगता है कि टकराव जैसे शब्द की आवश्यकता नहीं है, केंद्र सरकार हमारी सरकार है और केंद्र सरकार से पत्र आया है। परिस्थितियां थोड़ी भिन्न थी पहले, निश्चित रूप से ग्रामीण आवास के संदर्भ में स्टेट शेयर का जो राशि जाना था उसके कारण जो केंद्रांश हमको मिलना चाहिए था पंचायत और ग्रामीण विकास का, एक जो लगभग 7 लाख आवासीनों के आवास के संदर्भ में, तो उसमें थोड़ी देर तो हुई है। वास्तविक में कितना हास्यास्पद स्थिति है छत्तीसगढ़ में कि केंद्र सरकार के राशि देने के बाद राज्य सरकार मैचिंग ग्रांट की राशि नहीं दे पाई और गरीबों को जो घर मिलना था उनका शोषण किया गया और आज बिना घर के वो गरीब है। कई लोग अपना मकान तोड़ चुके हैं। लगभग 9,000 करोड़ रुपए के राशि जो केंद्र सरकार से प्राप्त होने थे छत्तीसगढ़ राज्य को, उसका भी नुकसान इस सरकार ने कराया है और साथ ही गरीबों को मकान से वंचित किया है। तो एक तरफ राज्य में बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है जबकि दूसरी तरफ केंद्र से राशि देर से आने की बात करके राज्य सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। लेकिन इन सब के बीच खामियों को जल्द दूर करने की बात भी मंत्री जी कर रहे हैं। हम लोग केंद्र सरकार से जो चिट्ठी आई है उसका सकारात्मक जवाब देंगे और अनुरोध भी करेंगे कि आरडी की ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं में इसका फर्क नहीं है, क्योंकि अन्य योजनाएं जैसे हमारे यहाँ संचालित हो रही है उसमें तो हम पैसा दे रहे हैं। आवास में एक त्रुटि थी उसको भी सुधारने के लिए बजट में हम प्रावधान कर चुके, अब आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि इस समस्या का भी निदान हो जाएगा। मंत्री जी, निदान जब होगा तब होगा, उससे रामू मिर्धा को क्या मिलेगा? वो तो आप लोगों के दावों वादों और टकराव के बीच अपनी पूरी जमा पूंजी अपने मकान पर लगा चुके हैं। जी हाँ, रामू मिर्धा की
60 साल की मां के लिए पीएम आवास स्वीकृत है, लेकिन बात फिर वही, गरीब की परेशानी वही, योजना के पैसे नहीं मिले। प्लास्टर करने का पैसा नहीं है, वायरिंग करने का पैसा नहीं है सर। अभी दरवाजा अधूरा है, खिड़की अधूरा है। ये तो बोलते क्या है जब आप जाते हो? जाते हैं तो तीसरा ऊपर और बनाओ बोलते हैं, ऊपर एक मंजिल और बनाओ, प्लास्टर कराओ, वायरिंग कराओ तभी देंगे बोलते हैं। और अभी हमारे पास जितना लाचार है कि पैसा भी हाथ में नहीं सर, जितना जमा पूंजी था सब यही लागत से लगा। आपने आज रायपुर की ये 5 कहानियां देखी, लेकिन ये 5 चेहरे उन हजारों लाखों पीड़ितों के आगे बहुत छोटी गिनती हैं। आपने आज रायपुर की ये 5 कहानियां देखी, लेकिन ये 5 चेहरे उन हजारों लाखों पीड़ितों के आगे बहुत छोटी गिनती हैं, जिन्हें सपनों का घर तो दिखाया था प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन वो सपना अधूरा छोड़कर अब उनके लिए उल्टा बड़ी चुनौती बनाकर खड़ी कर दी है ये ईंट की दीवारें और बिना छतों के मकान छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और अब एक दिलचस्प बात भी आप जान लीजिए। हमने रिपोर्ट में दिखाया कि साल 2019-20 में छत्तीसगढ़ में स्वीकृत करीब 1.5 लाख घरों में से सिर्फ 3 घर बने, जो लगभग 0% है, लेकिन पास के ही राज्य एमपी में ये आंकड़ा 84% है। तो फर्क आप खुद ही समझिए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।